दोस्तों LIC का जीवन लाभ प्लान जो मैरिज प्लानिंग में भी काम आता है, जो एजुकेशन प्लानिंग में भी काम आता है और जो रिटायरमेंट प्लानिंग में भी काम आता है, आज उसके बारे में मैं पूरी चर्चा करने वाला हूं। उसके फीचर क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और साथ में एग्जांपल के साथ इस पूरे प्लान को हम समझने वाले हैं। दोस्तों ऑलवेज एड हमेशा आगे रहिए। दोस्तों मैं अमित जैन, फाइनेंशियल एडवाइजर, सेल्स कोच, सभी इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए ला रहा हूं प्लान्स की सीरीज, जिसमें हम जानने वाले प्लान के बारे में भी और कैसे कैसे कॉम्बिनेशन के साथ हम उनको सेल्स कर सकते हैं उसके बारे में भी। लेकिन आज सिंपल जीवन लाभ के बारे में हम जानेंगे। जीवन लाभ एक ऐसा प्लान है जो सेविंग और रिस्क कवर का कॉम्बिनेशन है, साथ ही साथ ये बेस्ट रिटर्न देने वाला भी प्लान कहा जाता है। इसके साथ लिमिटेड प्रीमियम प्लान है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। साथ में लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है और टैक्स बेनिफिट भी कस्टमर्स को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये जो प्लान है ये तीन ऑप्शंस में अवेलेबल है। पहले ऑप्शन में पॉलिसी पीरियड रहेगा 16 इयर्स, सेकंड ऑप्शन में पॉलिसी पीरियड रहेगा 21 इयर्स और थर्ड ऑप्शन में पॉलिसी पीरियड रहेगा 25 इयर्स। इस प्लान की खूबी यह है कि यहाँ पर समय से कम प्रीमियम भरना पड़ती है। प्रीमियम पेइंग टर्म जो पहले ऑप्शन में होगी वो सिर्फ 10 साल होगी, दूसरे ऑप्शन में होगी वो सिर्फ 15 साल होगी और तीसरे ऑप्शन में होगी वो सिर्फ 16 साल होगी। दोस्तों मिनिमम एंट्री एज क्या होगी, तो सभी में 8 साल है। अब मैक्सिमम एंट्री एज क्या होगी, तो दोस्तों उसमें पहले ऑप्शन में एज का जो क्राइटेरिया है वो 59 ईयर्स है, सेकेंड ऑप्शन में 54 ईयर्स है और थर्ड ऑप्शन में 50 ईयर्स है। मिनिमम सम अशोर्ड आप अपने ग्राहक को कितना दे सकते हैं, तो तीनों ही ऑप्शन में कम से कम 2 लाख रुपए आप दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप दे सकते हैं। साथ में लोन बेनिफिट भी इस प्लान में स्टार्ट हो जाता है 2 साल के बाद। दोस्तों लोन बेनिफिट के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो सरेंडर वैल्यू का 90% और पेडअप वैल्यू का 80% आप अपने ग्राहक को दिलवा सकते हैं। दोस्तों अब इसमें कौन कौन से राइडर्स उपलब्ध हैं, तीनों ऑप्शन में एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर उपलब्ध है, तीनों ऑप्शन में टर्म इंश्योरेंस राइडर भी उपलब्ध है और तीनों ऑप्शन में क्रिटिकल इलनेस राइडर भी उपलब्ध है। साथ ही साथ प्रीमियम पर टैक्स बेनिफिट की छूट ATC के अंतर्गत मिल जाती है तीनों ऑप्शन में। मैच्योरिटी पर पूरा सम अशोर्ड मिलेगा, साथ में बोनस मिलेगा, साथ में एडिशनल बोनस मिलेगा। मैच्योरिटी पर भी टैक्स बेनिफिट की छूट मिल जाती है 1010D के अंतर्गत। बस आपका जो ग्राहक है उसका प्रीमियम 5 लाख रुपए से ऊपर नहीं जाना चाहिए 2023 के बाद। ये जो गवर्नमेंट का नया नियम आया है उसके अंतर्गत हम मैच्योरिटी सेटलमेंट ऑप्शन भी उपलब्ध है, मतलब वन टाइम भी पैसा ले सकते हैं। 5 ईयर्स, 10 ईयर्स या 15 ईयर्स के इंस्टॉलमेंट में भी आप इसमें पैसा ले सकते हैं। अब डेथ कवर के क्या नियम है, तो पूरा सम अशोर्ड मिलेगा, साथ में बोनस मिलेगा, साथ में एडिशनल बोनस मिलेगा और अगर ग्राहक की एक्सीडेंट से मौत हो जाती है तो सम अशोर्ड डबल मिलेगा, बोनस भी मिलेगा और एडिशनल बोनस भी इसमें मिलेगा। साथ में पेमेंट ऑप्शन भी इसमें उपलब्ध हैं, जैसे ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली या मंथली, जिसमें भी पेमेंट करना चाहे ग्राहक उसमें कर सकता है। उसके साथ साथ अगर वो हाफ ईयरली या ईयरली में पेमेंट करता है तो उसे ईयरली में 2% और हाफ ईयरली में 1% की एक्स्ट्रा सेविंग हो जाती है। दोस्तों साथ ही साथ ग्रेस पीरियड, मतलब कभी कभी ग्राहक प्रीमियम पे करने में डेट चूक जाते हैं तो वो 30 दिनों तक ईयरली मोड में, हाफ ईयरली में या फिर क्वार्टरली में 30 दिनों की एक्स्ट्रा छूट मिलती है, जिसमें सभी बेनिफिट चलते रहते हैं और साथ ही साथ मंथली में वो 15 दिन की छूट होती है। और रिवाइवल पीरियड, मतलब कभी कभी ग्राहक प्रीमियम पे नहीं कर पाता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो कब तक वो फिर से इस पॉलिसी को शुरू कर सकता है, तो वो कर सकता है 5 साल के अंदर। अब आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर ए का उदाहरण लेते हैं, जिनकी एज है 35 ईयर्स, जो 20 लाख रुपए का सम अशोर्ड इन्वेस्ट करना चाहते हैं जीवन लाभ में, तो तीनों ऑप्शन में उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे। तो दोस्तों पहले ऑप्शन में पॉलिसी पीरियड रहेगा 16 साल, लेकिन प्रीमियम उनको भरना है सिर्फ 10 साल, सम अशोर्ड 20 लाख रुपए का हम ले रहे हैं, तो पहले साल में प्रीमियम कितना भराएगा, तो वो भराएगा 1,75,000 के आसपास। वहीं दूसरे साल से प्रीमियम कुछ कम हो जाता है, मतलब 1,71,000 के आसपास, तो पर डे प्रीमियम कितना आएगा, तो 470 रुपए। और
टोटल प्रीमियम वो कितना भरेंगे, तो वो है 17,19,000 के आसपास, और उनको मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा, तो वो है 33,30,000 के आसपास। अब दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जहां पर मिस्टर ए ने पॉलिसी पीरियड रखा है 21 साल, तो उनको प्रीमियम पे करना पड़ेगी सिर्फ 15 साल, 20 लाख रुपए का सम अश्योर्ड है। पहले साल में उनका प्रीमियम आएगा लगभग 1,12,000 रुपए के आसपास, वहीं दूसरे साल से उनका प्रीमियम 1,10,000 के आसपास कुछ होने वाला है। मतलब पर डे प्रीमियम की बात करूं तो मात्र 302 रुपए, और टोटल प्रीमियम वो कितना पे करेंगे, तो 16,58,000 के आसपास, और उनको मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा, तो 40,48,000 के आसपास उनको टोटल पैसा मिलने वाला है। वहीं थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो वहां पर पॉलिसी पीरियड रहेगा 25 साल, लेकिन प्रीमियम उनको भरना है मात्र 16 साल, और सम अशोर्ड रहेगा 20 लाख रुपए। फर्स्ट ईयर की प्रीमियम उनको कितनी भरनी पड़ेगी, तो लगभग 96,000 रुपए, और वहीं पर सेकेंड ईयर की जो प्रीमियम है वो लगभग 94,000 रुपए के आसपास उनके शुरू हो जाएगी। तो पर डे प्रीमियम उनको भरना है मात्र 258 रुपए, यानी पूरा जो प्रीमियम वो पे करेंगे वो होगा 15 लाख रुपए के आसपास, और जो उनको मिलने वाला है वो होगा 52,50,000 रुपए के आसपास। तो दोस्तों, ये सारी कैलकुलेशन आपने समझ ली होगी। अब समझते हैं मैच्योरिटी कैलकुलेशन। तो मैच्योरिटी कैलकुलेशन कैसे होगी, तो मान लीजिए मिस्टर ए ने 25 साल वाले प्लान में निवेश किया है, जहां पे उनको 16 साल भरना है, तो वहां पर मैच्योरिटी कैलकुलेशन सिंपल है, सम अशोर्ड बोनस प्लस एडिशनल बोनस। तो सम अशोर कितना मिलेगा, तो वो पूरा 20 लाख रुपए उनको मिलने वाला है, बोनस और एडिशनल बोनस मिला के लगभग 32,50,000 रुपए के आसपास हो जाता है। तो यानी टोटल मिला के 52,50,000 रुपए उनको पूरा पैसा मिलने वाला है। अब डेथ कवर कैलकुलेशन की बात करते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए की डेथ हो जाती है 5 साल, तो उनको कैसे पैसा मिलेगा, तो पूरा सम अशोर्ड उनको मिल जाएगा 20 लाख रुपए, साथ में बोनस प्लस एडिशनल बोनस जो 5 साल का है वो दोनों मिला के 4,70,000 रुपए होते हैं, तो वो भी साथ में मिलेगा। मतलब 20 लाख और 4,70,000 रुपए, मतलब 24,70,000 रुपए उनको मिल जाएंगे। अब एक्सीडेंटल डेथ कवर की बात करते हैं। मान लीजिए ग्राहक की 5 साल के बाद एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है, तो दुगुना सम अशोर्ड मिलने वाला है, और बोनस और एडिशनल बोनस जो 4,70,000 रुपए था वो भी मिलेगा, मतलब टोटल हो जाएंगे 44,70,000 रुपए। तो दोस्तों, ये जो प्लान है ये तीनों जगह काम आता है, चाहे रिटायरमेंट प्लानिंग हो, एजुकेशन प्लानिंग हो, मैरिज प्लानिंग हो, तीनों ही जगह ये प्लान काम आता है। तो दोस्तों, आपका एक प्रश्न होगा कि आप कैसे अपने ग्राहक को ये प्लान किस कंसेप्ट के साथ बताओगे, तो वही अब मैं आपको अगले वीडियोस में बताने वाला हूँ, अलग अलग कंसेप्ट के बारे में। तो जो अगला वीडियो आने वाला है वो करोड़पति कंसेप्ट के बारे में आने वाला है, कैसे आप अपने ग्राहक को करोड़पति बना सकते हैं इस प्लान के थ्रू। बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि कैसे इस प्लान को दिखाना है, कैसे उसकी प्रोस्पेक्टिंग करना है, और कैसे समझाना है, कैसे क्लोजिंग करना है, सब कुछ मैं इस प्लान के बारे में अगले वीडियो में करोड़पति कंसेप्ट में मैं आपको समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक प्रेस जरूर करना, साथ में अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और अगर आपको दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है तो दूसरे इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ ये जो वीडियो है जरूर शेयर करना, साथ में आपके कमेंट का इंतजार जरूर करूंगा। और फ्री ट्रेनिंग अगर आप लेना चाहते हैं सेल्स की, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दे रखी है, ज्वाइन कर लीजिए, हर महीने फ्री ट्रेनिंग्स होती है, उसको ज्वाइन कीजिए, पैसा कमाइए। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आप सभी के लिए यही शुभकामनाएं, प्रार्थना, ब्लेसिंग्स, ऑलवेज अहेड, हमेशा आगे रहिए।